आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जिला मुख्यालय के पास वरिष्ठ कांग्रेस नेता हाजी जमीनुद्दीन कुरैशी के निवास पर शहर कांग्रेस की एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बता दें, इस बैठक में सहारा और पल्स कंपनी द्वारा छोटे निवेशकों के हजारों करोड़ रुपए के गबन के मुद्दे को गंभीरता से उठाया गया। राष्ट्रीय सहारा कंपनी और पल्स कंपनी, इस पे तमाम देश के करोड़ों लोगों का पैसा निवेश किया गया है, जो पैसा कई सालों से उन लोगों को वापस नहीं हो रहा है। माननीय उचित सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सेबी ने भी ये निर्णय कहा कि इन कंपनियों की संपत्तियों को अटैच करके नीलाम करके निवेशकों का पैसा लौटाया जाए। सरकार इस मुद्दे पर कतई गंभीर नहीं है, क्योंकि ये पैसा गरीब छोटे तबके के लोगों का है, जिसमें मजदूर हैं, ठेल वाले हैं, ढकेल वाले हैं, नाई की दुकान वाले हैं। ऐसे लोगों ने अपने पेट काट काट कर बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए इस पैसे को जमा किया था, लेकिन ये पैसा उन लोगों को मिल नहीं रहा है। ऐसे तमाम एजेंटों की भी हमारे पास खबरें आई हैं कि उनकी ज़मीन पर उन निवेशकों ने कब्जे कर लिए हैं कि भाई तूने हमारा पैसा लिया, तू नहीं देगा तो हम तेरी ज़मीन पर कब्जे कर लेंगे। तमाम लोगों के साथ मारपीट हुई है, तमाम लोगों के खिलाफ मुकदमे भी लिखे गए हैं। बेचारे एजेंटों की भी स्थिति खराब है, सरकार इस पर कतई गंभीर नहीं है। हमारी आगरा शहर कांग्रेस कमेटी की एक प्रेस वार्ता आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के निर्देश पर ये आहूत की गई है। कांग्रेस पार्टी चिंतित है, जो सहारा ग्रुप है और पल्स ग्रुप है, इन लोगों ने तमाम लुभावनी योजनाएं लाकर गरीब वर्ग का जो पैसा अपनी कंपनी में निवेश करवाया, उस पैसे को ये वापस करने में ये आनाकानी कर रहे हैं, बिल्कुल दबा कर बैठे हैं। हाई कोर्ट ने, सेबी ने आदेश दिया इन कंपनी को, तब भी ये इन छोटे छोटे गरीब जो लोग हैं, ढकेल वाले मजदूर, उनका पैसा लौटाने में बिल्कुल कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। और पल जैसे ग्रुप जो हैं, उन्होंने ठगी का काम किया। हमारे देश की जो है 5.5 करोड़ जो है जनता, जो निवेशक हैं, बेचारे गरीब थे और संचय करते थे वो अपने अमाउंट को, और उन्होंने अपने उज्जवल भविष्य के लिए इनको पैसा दिया। ये पैसा जो है मार कर बैठ गए, क्योंकि ये ठग थे, ये जेल भी गए, और उसके बाद सरकार जो है ये बाहर आ गए सरकार के संरक्षण में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि भाई इनकी संपत्तियों को बेच के उन निवेशकों का पैसा वापस किया है, गरीब जनता का पैसा वापस किया जाए। लेकिन सरकार के कान पर जूनी रेंगती है। 50,000 करोड़ रुपया पल्स में जमा है निवेशकों का, जिसके 5,84,00,000 निवेशक हैं। कंपनी पिछली 31 सालों से चल रही थी, लेकिन 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने तो 22 अगस्त 2014 में इसको बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से निवेशक परेशान हो गया और उसका सारा पैसा कंपनी का, सारी ज़मीनें सेबी ने अपने अंडर में ले ली। आज एजेंट परेशान हैं, लोगों ने आके परेशान करते हैं, घर में तोड़फोड़ करते हैं एजेंटों के, लोगों की ज़मीनों पे कब्जा कर रहे हैं। आज दिन गाली गलौज होती है, कोई गोली मारने की कहता है, कोई जान से मारने के लिए कहता है, तरह तरह की धमकियाँ मिलती हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि इसमें सबसे अहम मुद्दा जो है वो सेबी का है। सेबी का इसलिए है कि कंपनी का सारा पैसा और सारी ज़मीनें, पल्स की भी, सहारा की भी, अन्य कंपनियों की भी, सेबी के अंडर में हैं। और 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था रिटायर चीफ जज के अंडर में, आरएन रोड़ा के अंडर में कमेटी का गठन किया गया था कि आप सेबी के अधीन रहकर इस पैसे को निवेशकों को वापस करेंगे, जो आज तक वापस नहीं किया गया है।